यह फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से या किसी घटना के साथ समानता केवल संयोग है। यह फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, संगठन, धर्म, पेशे, समुदाय की भावनाओं को ठेस या नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। बाबा प्रणाम। खुश रहिए, बैठिए। का हालचाल है बाबा, सब ठीक है नू? का ठीक रहे बबुआ, अरे तो दाई के तबीयत बहुत खराब है, पैसा कौड़ी के अभाव इलाज न हो। काहे बाबा, वृद्धा पेंशन तो मिलता होगा, न होता है तो उसी से इलाज करवाइए। का वृद्धा पेंशन मिले, नेता सबके चक्कर में पड़ के दौड़ते दौड़ते हमर चप्पल खिया। जितना वृद्धा पेंशन न मिलल है उससे ज़्यादा घूस दे दे। हमने लेखा बिहार में बहुत लोग पड़ल रे, जब नेता लोग से उबरी तब न कुछ मिली। हमने के हक अधिकार लागे के आवाज़ उठाए, केकरा इतना समय। खैर ये सब बात हटाओ, अब तोहर पढ़ाई लिखाई कैसे चलत बा? पढ़ाई लिखाई तो पूरा हो गया, अब सोच रहे हैं कि गाँव में कोनो कारोबार करे, आप लोगों के साथ अपनों के बीच रहे। अब बाहर जाने का तनिको मन नहीं करता है, बाहर में रह के तो बहुत दिन पढ़ाई लिखाई किए, अब गांव परिवार छोड़ के बाहर जाने का मन नहीं करता है। ठीक है बाबा, चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है बाबा, प्रणाम, खुश रहो। चचा प्रणाम, सब समाचार ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है चचा। अरे मनीष बाबू, कहाँ घूम रहे हैं सवेरे सवेरे? जब से आप पढ़ाई करके दिल्ली से आए हैं, आपका पर एक जगह जमीन पर रुकिए नहीं रहा है। कभी ये चाचा लंग, कभी वो चाचा लंग, सबसे भेंट मुलाकात हो गया तो चलिए मुँह हाथ धो लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। हम जा रहे हैं खाद के लिए, खाद के बिना ना पूरा फसल बर्बाद हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आपसे तो पिछले हफ्ते बात हुआ था फोन पर कि खाद ला जा रहे हैं, अभी तक खाद नहीं मिला का? का कहे मनीष, एक सप्ताह से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, डेली खाद का ट्रक आता है, सबको ब्लैक में बेच दिया जाता है, हम लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, जाओ मुँह हाथ धो, कुछ नाश्ता पानी करो। भैया नहीं होता है ना, आप रहने दीजिए, आज हम जाते हैं खाद के लिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे मनीष, तुम अकेले कहाँ जाओगे? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, हम सोहना को जोड़े लेके चले जाते हैं। ठीक है ठीक है, आराम से जाना और जल्दी वापस आ जाना। हेलो, हाँ सोहन कहाँ हो? अरे तनियाओ तो खाद के लिए चलना है। ठीक, अरे सोहन रुको रुको रुको, अरे अभी तक स्कूल बंद है, आई 11 बज गया। ये बच्चा सब बहरी खेल रहा है का है? अरे भैया ये दिल्ली नहीं है कि 9:30 बजे स्कूल खुल जाएगा आपका, ये बिहार है, यहाँ 11 बजे से पहले ना मास्टर आता है ना स्कूल खुलता है, समझे? चलिए जहाँ चल रहे हैं हम लोग। इसमें दोषी खाली सरकारें नहीं है, हम जनता भी दोषी। आ...
अरे सोन रुको रुको रुको, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ भैया आप इस चक्कर में पड़े हुए? चलिए कह रहे उतना करो, चलो उठाओ जल्दी अस्पताल ले चलो। सर डॉक्टर साहब कहाँ है? सर सर डॉक्टर साहब नहीं है क्या? अरे काहे चिल्ला रहे हैं जी? सर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुते खून बह रहा है, तनी कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब नहीं है क्या? तो खून बह रहा है तो सरकारी अस्पताल में काहे आ गए हैं, जाके किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाइए। वैसे भी डॉक्टर साहब यहाँ है नहीं, अपना निजी क्लिनिक पर अपना मरीज देख रहे हैं। आएंगे, चार पाँच घंटा समय लगेगा, बैठिए तब तक, कह देंगे आएंगे तब, बैठिए। आ जाते हैं सवेरे सवेरे मुंह उठा के। न होता है भैया तो इसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। ठीक कह रहे हैं उसे, चलो। अरे सोहन आखिर बिहार का सिस्टम कब तक ऐसा रहेगा? अरे काहे ना कौन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, आखिर कब तक गरीब मजदूर का हक उससे छीना जाएगा? अरे भैया इतना फुर्सत केकरा पास है कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा? अरे सोहन हम उठाएंगे आवाज, हम लड़ेंगे ये गरीब मजदूर का लड़ाई। आप पगला गए हैं भैया, अरे अपना काम काज पर ध्यान दीजिए ना भैया, ऐसा चक्कर में मत पड़िए। अरे ना सोहन ना, तुम नहीं समझेगा, अरे हम कोशिश करेंगे कि हर गरीब मजदूर का उसका हक मिले, उनका अधिकार मिले। भैया आखिर सब आप कीजिएगा कैसे? पत्रकार बनकर हर बुराई को दिखाएंगे, हर गलत चीजों का विरोध करेंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अरे सबको सम्मान और उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। अरे ये सोशल मीडिया का जमाना है, हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आखिर आज हम जैसे युवा नहीं जागेंगे ना तो ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। चलो ठीक है, चलिए फिर। देखिए अभी हम शिक्षक अभ्यर्थी का दर्द दिखाने आए हैं, किस तरह से सभी शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हुए हैं, धरना पे हैं और ये डोमिसाइल नीति के बारे में बात कर रहे हैं। इन लोगों का मुद्दा जायज है, बिहारियों को बिहार में ही अधिकार मिले। आइए इन लोगों से कुछ बात करते हैं, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले हम डीएलएड करेंगे नहीं तो बीएड करेंगे, डीएलएड और बीएड करने के बाद हमको अब कथी करना पड़ता है, सीटेट नहीं तो स्टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है और उसके बाद भी अब बीपीएससी का एग्जाम देना है। अब बीपीएससी क्वालिफाइड करिए और तब जाके अब स्कूल में खिचड़ी बांटिए और तब शिक्षक बनिए। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि सब चीज करिए बीपीएससी के बाद या बीपीएससी का फॉर्म भरिए, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों में वो बात नहीं है। यहाँ के बिहार के अभ्यर्थी सक्षम नहीं है, टैलेंटेड नहीं है और ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का, इस पर क्या कहना है आप लोगों का? हमको तो वो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनके योग्यता पर संदेह है, वो कैसे बोल रहे हैं बिहार के स्टूडेंट यहाँ यूपीएससी निकालता है, सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में बिहार के स्टूडेंट ही है जो यूपीएससी का एग्जाम निकालता है, जो कि सबका पसीना छूट जाता है निकालने में। हम भी बैठे हुए हैं यूपीएससी के एग्जाम में और हम क्वेश्चन को देखे। देखिए इनका दर्द केवल यही लोग समझ सकते हैं और बेरोजगार लोग ही समझ सकते हैं। अगर हम बिहार के हैं तो हमको ही अधिकार पहले मिले। बताइए क्या आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है, काहे इतना धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी ने जो बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए बोला और उन्होंने बयान दिया कि बिहार के युवा सक्षम नहीं है, तो बाहर के युवा क्या जो वो रोबोट है कि वो सक्षम हो जाएंगे और हम लोग सक्षम नहीं होंगे? हम लोग भी इंसान है, वो भी इंसान है, हम लोग भी पढ़। हालांकि देखा जाए तो बिहार का इतिहास छोटा मोटा इतिहास नहीं है, पूरे राज्य का इतिहास एक तरफ और बिहार का इतिहास एक तरफ, फिर भी इन लोगों के साथ चीट किया जा रहा है। यहाँ कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी एग्जाम रद्द हो जाता है तो कभी मतलब सब चीज होने के बाद अब बीपीएससी करिए और बीपीएससी करने के बाद उसके लिए भी बिहार के अभ्यर्थी सक्षम नहीं है तो ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। अगर ये युवा चाहेंगे तो इस बिहार को क्या ये पूरे देश को बदल के रख सकते हैं। इनके दर्द को देखिए, बिहार में बाहर बा बेरोजगारी के खुमार बा
बा आ तैयो सुशासन चाचा के ही सरकार बा। ई लोग आपसे कहीं ना कहीं आहत है। हम बिहार के हैं, वोट बिहार में करेंगे, रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह जाएंगे। इन लोगों का दर्द दिखाया जाए और इन लोगों के बातों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। देखिए यह बिहार का रोड है, ये पक्का रोड है। यहाँ देखिए किस तरह से, दिखाइएगा किस तरह से पूरा खड्डा है और गाड़ी आ रही है जा रही है, कितना परेशानी होता है लोगों को। एक मिनट रुकिएगा भैया। देखिए ये भाई जी बाइक से आ रहे हैं और क्या रोड का क्या स्थिति है, दो लाइन आप बोल सकते हैं आप? आए क्या है भाई, रोड का स्थिति खराब है। मतलब काहे ऐसा खराब है, यहाँ तो रोड पीच है, पूरा पक्का सड़क है, एकदम चढ़िए या दो मिनट में ससुराल निकल जाइए। ऐसा तो नहीं है, तो डैमेज है। आप आए हैं तो आपको परेशानी हुआ है? तो भैया है, सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार समझे, यहाँ का मुखिया समझे, काफी परेशानी हो रही है इससे लोगों को यात्रा करने में, आने जाने में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में बाहर बा सुशासन के सरकार बा। बिहार का जो विकास हम अभी दिखाने जा रहे हैं, नल जल योजना नीतीश कुमार जी का सबसे सफल करी जो यहाँ पे सक्सेस हुआ है, हम दिखाएंगे। यहाँ पे हम उतर के दिखाया जाए इसको कि विकास का जो है ना, ये विकास का गंगा बह रहा है। इसके लिए किसी को समय नहीं है, नेता को नहीं समय है, न यहाँ के लोगों को। और ये जल बहाव एकदम, कहीं पानी के लिए लोग त्राहीमाम है तो कहीं पानी ही पानी है। तो आइए हम कुछ ग्रामीण से बात करते हैं कि क्या यहाँ का नल जल सक्सेस है कि नहीं है। तो बताइए कि क्या नल जल यहाँ पे सक्सेस है, पानी उनी सही से मिलता है? तो मिलता है। नहीं मिलता है तो यहाँ तो पानी है पानी है, देखिए तो पूरा गंगा बह रहा है। यहाँ पानी जा रहा बा, हम निकालने से मिले, मतलब देख लीजिए जहाँ मिलना चाहिए लोग को पीना है। हाँ जहाँ न मिले बा देख लीजिए, न मिलेगा तो हजियार हो रहा है पानी। ये पानी वेस्ट नहीं कीजिए, अगर जल नहीं रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी पीने के लिए लोग तरस जाएंगे। देखिए हम तो अपना कर्तव्य निभाए हैं, ये वेस्ट पानी बह रहा था, इसको हम बंद कर दिए हैं, जैसे तैसे पूरा भींज गए हैं लेकिन इसको हम बंद कर दिए हैं। और आप लोग भी कहीं देखिए गलत हो रहा है तो उसको जाके सुधारने का, अगर हो सके तो सुधारिए और पानी को बचाए। जल नहीं रहेगा तो हमारी जीवन खत्म हो सकती है, जल के बिना हम नहीं जी सकते हैं। धन्यवाद। ये मोतीपुर का चीनी मिल है, नीतीश कुमार हमेशा आते हैं, वादे करते हैं हम चीनी मिल चालू करवा देंगे, लेकिन उनके वादे का कुछ नहीं होता। चलिए कुछ लोगों से हम नीचे उतर कर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति मिले हैं, इनसे चीनी मिल के बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं। चीनी मिल कब से बंद है? चीनी मिल 95 से बंद है। अच्छा। और नीतीश जी कहते हैं कि हम चालू करा देंगे, आज तक चीनी मिल का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब भाषण करने आते हैं तो कहते हैं कि जीत जाएंगे तो चालू कर देंगे। हाँ, जीत जाएंगे तो चालू कर देंगे, जीत जाने के बाद उनका कोई सुनवाई नहीं है। सामने इसी चीनी मिल के ग्राउंड में नीतीश कुमार जी आते हैं, उनका मंच बड़ा सा लगता है, भाषण होता है और चीनी मिल के खुलने के लिए वादा होता है लेकिन खुलता नहीं है। आइए कुछ व्यक्ति से बात करते हैं, चीनी मिल का क्या स्थिति है? तोरा ऐसा ऐसा रिपोर्टर कितना ओलै गेलै आ सब NSA में धरा गेलै। देखिए ऐसे ऐसे लोगों के कारण बिहार में विकास नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हकीकत दिखाएं, इन लोगों के जरूरतों का चीज दिखाएं, लेकिन नहीं दिखा पाते हैं। और इन लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपना सब चीज त्याग कर इन लोगों के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को गलत वे में लेते हैं। तो आपके हक के लिए हम लोग लड़ते हैं, हक की सच्चाई को दिखाते हैं, फिर आप लोगों का ये मेंटेलिटी क्यों है? देखैबा जदी सोच जइबा NSA में फंस, देखैबा जदी सोच जइबा NSA में फंस, हर NSA में फंस जइबा NSA में फंस, हर NSA में फंस जइबा NSA में फंस। देखैबा जदी सोच ए पत्रकार महोदय, देखैबा जदी सोच जइबा NSA में फंस, देखैबा जदी सोच जइबा NSA में फंस। लूटपाट होते रही होई भ्रष्टाचारी, साता में बैठल बाड़े देश के व्यापारी, होई भ्रष्टाचारी हो होई भ्रष्टाचारी। लूटपाट होते रही होई भ्रष्टाचारी, साता में बैठल बाड़े देश के व्यापारी, कतनो कर बटस मस नाही चली केहू के बस, देखैबा जदी सा
अरे बुझता रह देखब जदि सोच जैब एने से में फंस देखब जदि सोच जैब एने से में फंस। अरे ये जो लड़ाई है ना, ये हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं, अरे आप तमाम जनता जनार्दन के लिए लड़ते हैं, ताकि आप लोगों का अधिकार और आप लोगों का हक सही से मिल सके, आप लोगों को सम्मान मिल सके। और आज आप लोग सब साथ नहीं दीजिएगा ना, तो गलत को गलत और सही को सही साबित करने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे हाँ, बहुत सारे बड़ा बड़ा टीवी चैनल वाले आते हैं, लेकिन आपके परिस्थितियों कोई नहीं दिखाता है। हमारे जैसे दो कौड़ी के माइक और मोबाइल से शूट करने वाले ही आपकी परिस्थिति को दिखाते हैं और आपके हक के लिए लड़ते हैं। जे लड़े ला तोहरा हक के लड़ाई उनकर साथ निभावे भाई, ना तो फेरू के सच्चाई देखाई के गरीब बवन के आवाज उठाई। जुर्म के जड़ से मिटाइब भ्रष्टाचारियन के भगाइब, सोच देखावे खातिर हम हद से गुजर जाइब, सबको मिले सम्मान मिले सबको अधिकार, हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार। होला अत्याचार जुर्म हमें पहुँच जाला, खबर सच दिखावे के हुओ से ना डराला, हाँ दुखी अंगलाचारन के न्याय दिलवावेला, अपराधी के साजा खातिर हर दम चिलावेला, केहू होखे ना निराश पर ये सबसे गुहार, हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार। दुख छोड़ी भाई देखावे उ सच्चाई, हंस जग सगरो भले रोवे उनकर माई, हाँ भ्रष्टाचारी सिस्टम के उ माटी में मिलाई, गलत जे भी करी है उनकर होई ना भलाई, करीले सबसे पुकार नहीं झुके हमर बिहार, हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार हम हई पत्रकार।
नमस्कार, शुभ प्रभात। अभी हम हैं मंत्री जी की आवास पे और सुबह का समय है। माननीय मंत्री जी सामने टहल रहे हैं। आइए इनसे कुछ कड़वी सवाल करेंगे। पुल जो बिहार में दो दो पुल, इतनी बड़ी 1500 करोड़ 1700 करोड़ का दो दो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। ये बताइए मंत्री साहब, आपके बिहार में, हमारे बिहार में जिस तरह अपराध डे टू डे बढ़ रहा है, शराब का जो आपका जो शराबबंदी था कहीं सक्सेस नहीं है, हर जगह शराब मिल ही रहा है, बिहार में दो दो बड़ा पुल 1700 करोड़ 1500 करोड़ का पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, तो क्या मेंटलिटी है आपका, बताए कुछ। देखिए, ये सब विपक्षी का चाल है। ये पुल उल नहीं गिरा है कहीं, सब एडिट करके डाला हुआ है। आई दारू उरू सब बंद है, हमारे सरकार में कहीं क्राइम नहीं हो रहा है। एक बार पीएम बन जाने दीजिए, सब सुधार देंगे। अभी बिहार सुधारे है, अब पूरा देश सुधारना बाकी है। सब जगह रोजगार मिल रहा है, पता कीजिए जाकर के क्षेत्र में। अरे, बिहार के अभ्यर्थी सब सक्षम नहीं है, हम पूरा इंडिया को मौका दे रहे हैं, पूरे देश का नेता बनना चाहते हैं, पूरा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। चलिए, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, मंत्री साहब ने जिस तरह से जवाब दिए हैं और इनका जो कहना है कि हम बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम करेंगे, अब पीएम बनने का शौक पाल रखे हैं आदरणीय हमारे मंत्री जी, बिहार को तो इन्होंने ले डूबा, ये थी मेंटलिटी हमारे आदरणीय मंत्री साहब जी की। धन्यवाद। हेलो डीजीपी साहब, हाई देखिए तो कोई रिपोर्टर है, बहुत तड़बड़ा रहा है जी, देखिए उसको थोड़ा। ठीक, तो आप देख रहे हैं किस तरह दिन पर दिन बिहार में अपराध होते जा रहा है और घटनाएं घटते जा रहे हैं, और सच्चाई दिखाने के लिए हर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये शर्मनाक बात है हमारे बिहार के लिए, ये गलत है और ये कतई नहीं होना चाहिए। सुख दुख छोड़ के भाई ऊ दिखावे ले सचाई, जग के हंसे सगर माई आज रोवे उनके मनाई। जनी रोई हो भाई तू, जनी रोई हे माई, जनी रोई हो बाबूजी तू, जनी रोई हे माई, बेटा तो हर लौट के आई ए माई, मनीष कश्यप लौट के आई। मैं करण, मनीष कश्यप का छोटा भाई, और ये मेरी माँ है। आँखों में था बिहार को बदलने के लिए, उसकी आँखों में था एक बिहार को मध्य बिहार बनाने के, उसकी आँखों में था कि बिहार बिहार में ही रोजगार करे, बिहार बिहार में ही स्वास्थ्य मिले, और बिहारी बिहार में ही शिक्षा मिले। आखिर एक क्या है, हम लोग बिहार में पैदा होते हैं लेकिन बिहार में ही ना रोजगार मिलती है, ना शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य मिलती है। यही बदनुमा चीज़ को मेरा भाई चेंज करना चाहता था, लेकिन लोगों के दिल में तो राज कर लिया, बहुत सारे लोगों के दिल में राज किया, बहुत सारी माँ को आंखों के आंसू पोंछा, बहुत सारे भाई का ढाल बना, लेकिन बढ़ते 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 बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के आंखों में वो चुभ गया और आज वो जेल में है। जिसके परिवार में तीन तीन आदमी आर्मी में हो, जिसके बाबा जी चैनल लड़ाई लड़े हो, जिसके फादर कारगिल लड़ाई लड़े हो, उस बेटे पे, उस पोते पे NSA लगा दिया जाता है, NSA काला धब्बा लगा दिया जाता है, यहाँ गर्व होता है कि मेरा भाई मनीष है, और मैं भाई तेरे पे गर्व करता हूँ, और तेरे साथ मेरा परिवार, मेरा पूरा परिवार और
पूरे बिहार के लोग तेरे साथ हैं। बस कुछ दिन का संघर्ष है, ये भी जो काला धब्बा लगा हुआ है वो भी हटेगा और जो लगाए हैं उनको मुँह तोड़ जवाब भी मिलेगा, क्योंकि तू एक बिहार के लिए हीरा है और तू आएगा फिर से वैसे ही शेर की तरह, सबकी आवाज़ बनेगा, दहाड़ेगा बिहार की एक उन्नति, जो तुम्हारा सपना था कि हाँ बिहार को एक विकसित बिहार बनाना, वो तू जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल पत्रकार क्या है? ये वही पागल लोग हैं जो अपना काम धाम छोड़ के आपके दुख तकलीफ में, आपके मजबूरियों को, आपके हक अधिकार जो लोगों के द्वारा लूटा जाता है, सो कॉल्ड नेता कहिए, कोई अधिकारी कहिए, उनके द्वारा आपके अधिकारों को लूटा जाता है और वो अपना काम छोड़कर एक 10-15 हज़ार का मोबाइल और एक 500 का माइक लेकर के आपका दुख दर्द तकलीफ दिखाने पहुंच जाता है और आपसे एक रुपया तक नहीं मांगता है, आपसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगता है। ये वही पत्रकार हैं जिसको आजकल लोग यूट्यूबर भी कहते हैं, लेकिन हमारे नज़र में वो डिजिटल पत्रकार हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि असल में अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो वही कर रहा है, अगर जनता की समस्या को दिखा रहा है तो वही दिखा रहा है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है, अगर हाथ में माइक लेकर के, एक मोबाइल लेकर के, अगर आपकी समस्याओं को दिखाने के लिए, अगर आपकी बेटी का बलात्कार होता है तो यही लड़का पहुंचता है, आपके बेटे की अगर हत्या होती है तो यही लड़का पहुंचता है। तो ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जिसके पास मूछ नहीं होगा लेकिन करेजे में हिम्मत होगा, जिनका उम्र ज़्यादा नहीं होगा लेकिन दुख दर्द और तकलीफ़ का तजुर्बा बहुत ज़्यादा होगा, उनका सम्मान जरूर करिएगा। और एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हैं तो कम से कम एक कुर्सी देकर इज्जत जरूर दीजिएगा, क्योंकि वह अपना सब कुछ छोड़ करके, वो भी एक डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था, वो भी लाखों का महीना कमा सकता था, लेकिन सारे सुख सुविधा को छोड़कर अगर बारिश में भीगता हुआ, धूप में जलता हुआ, ठंडा में कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, आंधी में धूल खाता हुआ, फांकता हुआ, अगर आपके तकलीफ को दिखाने पहुंच रहा है ना, अगर बिहार को जिंदा रखना है ना, अगर बिहार को बचाना है ना, अगर नया बिहार, अच्छा बिहार और सुंदर बिहार देखने का सपना अगर थोड़ा सा भी आपके नज़र में होगा ना, दिल में होगा ना, तो उसको जरूर इज्जत करिएगा, उस डिजिटल पत्रकार को जरूर सम्मान दीजिएगा, जरूर प्यार दीजिएगा और चलते वक्त पीठ पर अपना दाहिना हाथ जरूर ठोक दीजिएगा कि बेटा तू बहुत अच्छा काम किया है, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है। जय बिहार।